बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म कुल्ले वलीयकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाईहि फी हाज़िहि साअते व फी कुल्ले साद वलियन व हाफिज़न काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तियहु फीहा तवीला। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इकशिफ करबी व करबल मोमिनीन बेहक्के अखीकल हुसैन। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ज़ुल जलाले वाले किराम ज़ुल अस्माइल इज़ाम ज़ुल इज़्ज़ल लज़ी ला युराम इला हुकुम इला हु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह व रहमानुर रहीम सल्ले अला मुहम्मद व अलैहि अजमईन। मेरे मौला अजीम इबादत नु कबूल व मंजूर फरमा। जितने हाथ बुलंद ने बाबुल हवाइज मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम दे सदका हाजात पूरी फरमा। बानी मजलस दे रिज़्क च बरकत व वुसअत अता फरमा। मरहूम मकफूर मुहम्मद अफजल साहब दे दरजात बुलंद फरमा। इस बस्ती दे जितने मोमिनीन मोमिनात दारे फाने तो चले गए दरजात बुलंद फरमा। मेरे मौला इमाम जमाना अलैहिस्सलाम दे ज़ुहूर ताजील फरमा। इमाम दे ज़ियारत नसीब फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जितनी मोहब्बत नाल आले मुहम्मद दे उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला जिन्हां दी मोहब्बत घर छोड़ के आयो उन्हां दी मोहब्बत सदका चंद कदम अगे तशरीफ लाओ ताकि मजलस का माहौल बन जाए। सलवात ही पढ़ो तो दो दो कदम अगे तशरीफ लाओ। बहुत मेहरबानी जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बहुत मेहरबानी इमाम ज़माना अलैहि सलाम सारे नु आबाद शाद फरमान। एक सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन सलवा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे ताज वल मेराज वल बुर्राव के वल अलम सैयदिल अरब वल अजम इस्मु मनकूशुन मरफून मकतूबुन फिल लौह वल कलम जिस्मु मुअत्तरुन मुनव्वरुन मुकद्दसुन फिल बैत वल हरम जिब्रीलुन खातिमुहु व मेराजुन सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मंजिलुहु व काबा कौसैन मकामुहु हबीब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फातिमतो बजातु मिन्नी सलवात। इस्मत दे हिक मुल्क दा नहीं ते पूरे जग दा ना जहराए मैं कसमन आहदा
दीन अल्लाह दी शहर रगदाना जेड़ी सर सरवर ते रहंदी है उस पगदाना जहराए जेड़ी हथ है दर्दे मुंदरी है उंदे नगदाना जहराए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम साहबा नो मुखातब होके पे फरमाने कि अगर दुनिया ते दुआनों कहीं जा जन्नत नज़र आ जाए तो उस विच दाखल लाजमी होवे। साहबा परेशान ते आदन या रसूलल्लाह दुनिया ते जन्नत ये केड़ी जाए जिथों दुनिया ते जन्नत बनी हुई उसी। नबी फरमाया जिस जा चंद मोमन इकट्ठे होके साडा जिक्र सुन रहे होवन वो मकाम जन्नत चों घट नहीं। तो जिथा आम मजलस होवे वो तो जन्नत है, तो जिथा खातून जन्नत ही मजलस हो रही होवे है यार इंज नहीं दोवें हथ बुलंद नारा हैदरी। नबियों ने सुल्तान फरमाया विलायत अली और साड़ी मुहब्बत दिलन की हरारत पैदा करती है, तो अगर दिल गर्म हो वन तो वाते सर्दी कुछ नहीं कर सकते। इतनी सर्दी नहीं जितनी तुसी चुप बैठे हो। दोवें हथ बुलंद नारा हैदरी। तो जन्नत जिन्हों का जिक्र मकाम नू जन्नत बना छोड़े जी। और इस तरह साबित होया रसूल को लोगों पूछा भी जन्नत असल च है कि फरमाया जिथे पांच तन होवेन उ जा जन्नत है जी। अगर ये किसी शहर चा वन तो शहर जन्नत है, अगर ये किसी के दिल चा वन तो दिल जन्नत है जी। तो हर वो बंदा जन्नती है जिस पंचन पाक की मुहब्बत है, और जिस बीवी के तस्करे वास्ते सुनने वास्ते तुसा घर बार छोड़ के इस मकाम ते तशरीफ लैके आए हो। छेवां इमाम पे फरमाने कि जेड़ा बंदा ज़ियारत हुसैन ते नहीं वन सकता या ज़ियारत ईरान इराक ते नहीं वन सकता गुरबत की वजह नाल वो खलूस दिल नाल मजलस शरीक हो वंजे उनके नामे आमाल ज़ियारतन का सवाब लिखे वैसे जी। तो वत रसूल फरमा रहे ने थाई रसूल खुदा कि अमीर की ज़ियारत है तोड़ कर बला वंजना, गरीब की ज़ियारत है मजलस हुसैन। और पंजवा इमाम फरमा रहे हर कदम ते 70,000 गुनाह माफ होंगे, हर कदम ते 70,000 नेकियां का इजाफा होंगे। और जदा मजलस मोमन आके बह वेंदे पंजवा इमाम फरमा रहे उस वेले तू पाकिस्तान या हिंदुस्तान दी सरजमीन ते नहीं बैठे होया हुंदा, बल्कि मलाइका नू अल्लाह हुक्म देंदे जितनी देर मजलस बैठे होए इंदा ए बाणा रोज़े हुसैन दे अंदर दा लिख छोड़ो। कितने करीम इन हुसैन इब्ने अली जी। और मासूम फरमारन जदू मजलस चू उठ के तू घर आना उस वेले तेरे नामे आमाल कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। हुसैन इंज गुनाह मिटा चुनदे जिमें तू दुनिया ते अज हुणे आए ते तेरे माँ प्यो की बख्शिश हो वेंदी है। मजलस कोई लाजमन नहीं कि हजारों का मजमा होवे। छेवा इमाम फरमारन एक पढ़न वाला होवे एक सुनन वाला होवे ओन खलूस आले दोवां ते जन्नत वाजिब है। दोवां नूं उह सवाब मिलसी जिहड़ा हज़ारां दे बंदियां नूं सवाब मिलदा। तो खातून जन्नत ही मजलस है, वारस है जन्नत ही मजलस है। जदां बीबी पाक दे नूर नूं अल्लाह ने खल कीता तो मलाइका पुछया कि ये नूर केड़ा है, फरमाया आज़ा नूर मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर चों है, इस नूर नू मैं अपने नूर चों अपने अजमत नाल जुदा कीते और इस नूर चों मैं अपनियां हुजतां दा जहूर करना, और इस नूर नू मैं अपने नबियां विचों एक नबी जिहड़ा सुल्तानुल अंबिया उसी
इस नूर नूं उंदी पुश्ती चों मैं दुनिया ते ज़हूर करे सां और ए वाहिद मेरा नूर है जिस नूर दी खातिर मैं ये सब कुछ बनाए। मैं मुहम्मद अली इस दी खातिर बनाए और उम्मुल मोमिनीन होना और गल है, उम्मुल मासूमीन होना और गल है। हैदरी इंज नहीं हाथ बुलंद नारा हैदरी मोमन दी माँ होना और गल है, मासूमीन दी माँ होना और गल है जी। और जिस दी तहारत नू अगर तकसीम कीता वंजे मादेनुल रिसाला व मादेनुल इमामा जी, जिस दी तहारत नू अगर तकसीम कीता वंजे ते या नबी बन देन या रसूल बन देन या इमाम बन देन। इसी वास्ते यारवा इमाम फरमाए नानो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क कि असी बारह इमाम हुज्जत आलमीन ते व फातिमा जहरा हुज्जतुल्लाह अलैना और फातिमा जहरा असां ते हुज्जत है जी। इस अल्लाह और बीवी पाक फरमा रहे हैं कि जेड़ा बंदा त्रै दिन मुसलसल मंडे ते दरूद पढ़े गफर अल्लाह जम्बहू अवलीन वल्लाखरीन, अल्लाह उस दे पहले गुनाह भी माफ़ कर सी, अल्लाह उस दे आने वाले गुनाह भी माफ़ कर सी। ते रावी पूछया बीबी क्या तुहाडी जिंदगी च, फरमाया मेरी जिंदगी तो बाद भी जेड़ा बंदा त्रै दिन मुसलसल में बतूल ते सलवात पढ़े अल्लाह उस दी हाजात नू पूरा फरमाए सी। और फरमाया केड़ा दरूद, फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला फातिमता व अबीहा व बालेहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदे फीहा बे अददे मा आहा तबही इल्मक। तर्जमाए बनदे ऐ अल्लाह हजरत बतूल ते दरूद नाजल कर, उन्होंने शोहर ते दरूद नाजल कर, उन्होंने बाबे ते दरूद नाजल कर, उन्होंने सारे पुत्रां ते दरूद नाजल कर और उस राज ते दरूद नाजल फरमा जेड़ा फातिमा जहरा इच मौजूद है। बेअदद मा आहा तब ही इल्मक उन आदाद मुताबिक जेड़े तेरे इल्म च हैं जी, कोई एक दो त्रै नहीं, बेअदद मा आहा तब ही इल्मक जितनी तादाद तेरे इल्म च है उस तादाद मुताबिक हजरत बतूल ते दरूद फरमा। तो बीवी बाग फरमा रहे उसने अल्लाह गुनाह माफ़ कर छुड़ सी ते जिस दे जिक्र इतनी तासीर है उस बीबी पाक दे वजूद च कितनी तासीर हो से जी। उस बीबी दी अजमत साढ़े तुआडे तू बयान नहीं हो सकती। ईरान च मुजतहिदन ते इराक च फरूट लैन या सब्जी लैन जो भी बाजार च खरीदन गए ते वापस आए तो उन्होंने याद आया कि चाबी तो अंदर रह गई तो बाहर ताला लगा हुआ, नाल उन्होंने तालिब इलम भी आ वह भी परेशान। उन्हें फरमाया मेरे को एक इस्मे आजम है, मैं जो चाहवा कर सकदा ये ताला भी आज मैं उसी इस्मे आजम नाल खोल सा। तालिब इलम आते मेरे सामने मेरे उस्ताद ने ताले ते हाथ रखिया तो कुछ पढ़िया ते ताला बगैर चाबी दे खुल गया। मैं कदमा ते हाथ लाए मैं पूछा या उस्ताद दसो तो सही है इसमें आजम केड़ा, फरमाया और कोई नहीं मैं ईओ हक है या फातिमा अदरक नहीं। तो जिस दे नाम विच इतनी अल्लाह ने तासीर रखी उस बीवी दा वजूद बाबरकत कितना अजीम हो सी। और जदा चादर सारे इकट्ठे हो अल हक तो यह बनता कि बीवी पहले घर चन वो पहले चादर चावन, लेकिन बीवी पाक पहले चादर च नहीं आए,
वजह केड़ी आई। रसूल भी जानते हैं इस सारे एहतमाम कि आज ये होना है। हुण रसूल इंतजार कर रहे हैं बाकियों का, हसन आए तो वह इंतजार कर रहे हैं हुसैन का, हुसैन आए तो वह इंतजार कर रहे हैं अली इब्ने अबी तालिब का। अल्लाह चाहता है सारे रल के एक दूजे का इंतजार करें, लेकिन बतूल किसी का इंतजार न करें जी। जी सारे मासूम एक बह का इंतजार करें, लेकिन बतूल किसी का इंतजार न करें। इसी वास्ते जनाबे बतूल सब तू आखर च चादर तले आए न। ते हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी अजमत इतनी बुलंद है कि एक बंदा रसूल खुदा के सामने आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भुखा, मैं प्यासा, मेरा घर कोई नहीं, मैं बड़ा फकीर हाँ, मेरी मदद फरमाओ। रसूल साहबा नू आख्या, साहबा भी इनकार किया। हुण जनाबे कंबर या जनाबे बिलाल आले पासे नबी वेख्या, फरमाने इसनू उस दर ते लै जा जिस दर तू मलाइका भी अज तई खाली नहीं गए। हज़रत बिलाल उसका हथ नपया, या हज़रत सुलेमान दो त्रै रवैतन हथ नप के जनाबे बतूल दे दरवाजे ते अस्सलामु अलैक या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। जनाबे फुज़ा पूछा कौन, फरमाया नबी भेजे सवालिए। जनाबे बतूल आख्या कि आज तीसरा दिन है, साढ़े घर भी खाने वास्ते कोई शय नहीं, असं सारे रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं किसी सवाले नू खाली वलावा। मैं अपना हार ला के दिनी हाँ, इस सवाले नू आखो बाजार वेचे ते अपनी जरूरियात नू पूरा करे। हज़रत सुलेमान ने फारसी हार उस सवाले ने दिता, सवाली हार लैके वापस आए तो हज़रत अमार बिन यासर ये अपने घरों दरवाजे मस्जिद नबवी ते पहुँचे ते पुछदे ने भाई ये हार किस दे, बड़ी अजीब व गरीब इस चु नूर आ रहे। हज़रत सुलेमान दस्या कि जनाबे बतूल दा। हज़रत अमार फरमाने या रसूल अल्लाह इजाज़त है ये हार मैं खरीद लवा। नबी फरमाया जेड़ा भी खरीद है, मैं खुशखबरी दे रहे हैं, जेड़ा हार खरीद से जन्नत उसका मकान मेरे मकान नाल हो से। अल्लाह इस हार दे बदले उसनों मेरे नाल महल अता फरमैस। उन और ज़्यादा खुश है, फरमाया अमार खरीद कर। अमारा दिन कितनी कीमत, उसा क्या मैंने सवारी मिल जाए, मैंने लिबास मिल जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा घर बार बन जाए। फरमाया मैं 1000 दीनार तेनू अता कर सा, 2 यमनी चादरन दे सा, 1 सवारी उठ तेनू दे सा, तेरा कर्जा भी सारा मैं ले सा, क्या तू राजी है? उसा क्या हाँ मैं राजी हाँ। हज़रत अमार ने वो चीज़ा दितियाँ उस बंदे नो, ते हार खुद नहीं लिया, अपने गुलाम नू आदन ए हार तू लै ते तू मेरा गुलाम ने वांझ तू हुण रसूल दा गुलाम है। और हार लै के जनाबे रसूल को लाया, रसूल खुदा फरमाया ए हार मेरा नहीं, ए हार दी मालकन है मेरी धी बतूल, वांझ हार उन्हां दे ते तू मेरा गुलाम ने, तू ज़हरा दा गुलाम है। ओ गुलाम हार लै के जनाबे बतूल दे दरवाजे ते आया, ते आदे या बीबी मैनू अपनी गुलामिज कबूल फरमाओ ते अपना हार वापस लो। जनाबे बतूल हार तो लै लिया, फरमाया मेंढी गैरत गवारा नहीं करती कि अल्लाह इंसान नू आज़ाद बनावे ते इंसान गुलामी दी जिंदगी गुजारे, मैं ज़हरा तेनू अल्लाह दी राह विच आज़ाद कर रही हूँ। जित्थां तू रहो तंडी मर्जी, ये कैनात जो बनी है अल्लाह इंसाना वास्ते, तू वांझ अपनी जिंदगी गुजार। ये हसदा होया वापस आए ते लोगों पूछे भी हस क्यों रहे हैं? उसे क्या जिस बीबी दे हार ने कुछ सफ़र किया घर तू मस्जिद तक ते मस्जिद तू घर तक, ते ये गुलाम आज़ाद हो गया, एक बेलिबास नू लिबास मिल गया, एक मकरूज दा कर्जा लै गया, एक घर बेघर नू घर मिल गया। जिस बीबी दे हार इतनी अजमत रख दे, अल्लाह जाने वो बीबी कितनी अजमत की मालिक हो से।
ते जिस ये चीज़ां लितियां हैं जिसका घर को ना उस हाथ दुआ दे चाहे ऐ मेरे अल्लाह मैं दुआ मांग रहा जिस बीबी ने मैंने ये अता की थी हर चीज़ उस बीबी नूं ओह चीज़ां अता कर जिहड़ियां कह नात च कह को अता न कीतियां उन्हें। ते नबी मुस्कुराएं फरमाने ऐ बंदे खुदा तू ओह चीज़ां दा सवाल कीते जिहड़ियां अल्लाह पहले ज़हरा नूं अता कीतियां होईयां। अल्लाह ज़हरा नूं बाबा ओह अता कीता जिहदा कहिंदा बाबा नहीं, पुत्र ओह अता कीते जिहदे कहिंदे पुत्र नहीं, शोहर ओह अता कीता जिहड़ा किसी दा शोहर नहीं। खुद ओह जन्नत दी वारस है, बतूल नूं होर केड़ी शय दी जरूरत है। तो ये है जनाबे बतूल दे घर दी अजमत। इस घर ते मलाइका आके रुकवेंदे ने। ये गुरबत बीबी पाक ने खुद कबूल की थी है। अगर चाहे ना तो दुनिया नु सोना बना सकते हैं, अगर चाहे ना तो ये कैनात नु हीरो जवाहरात ही तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इस वास्ते की थी ने जानते हैं कि साढ़े मोमिनीन गुरबत जिंदगियां गुजारनियां ताकि उन्होंने वास्ते कोई नमूना होए कि अगर भुख प्यास आवन जे तो किवें गुजारनी है। तो लोग भी जानते हैं कि इन्होंने वास्ते जहरी दौलत नहीं। यहूदियों का एक गिरोह रसूल खुदा को लाया, उन्हें कि या रसूल अल्लाह साड़ी धी की शादी है तो अपनी धी नूं आखो साढ़े घर शिरकत करन। मकसद उन्हों का यह आई कि इन्हों का लिबास साढ़े लिबास जहा ना हो सी ते असी इन्हां दी और इन्हां दा कौल ओ फेल हमेशा इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते होए। इन्हां अगर चुप कीती है ते इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते, ये अगर मैदान चाहन ते इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते, अगर इन्हां हर काम अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीते, इन्हां अपनी जात नूं ख़त्म कीते, तो जनाब बतूल सलामुल्लाह अलैहा दी गल सुन के नबी फरमाने धी मेरी जरूर है लेकिन वह बा इख्तियार है, वह खुद जावे तो बेशक उनकी मर्जी है लेकिन मैं ज़हरा नूं मजबूर ना करदा। जनाबे बतूल को लाइन जनाबे बतूल सर झुकाया तो नबी पाक फरमाया क्यों ज़हरा? फरमाया या बाबा जान उन्हां दा जिहड़ा मकसद है ना वह मकसद यह है कि लिबास उन्हां दे लिबास नाल। फरमाया उसकी फिक्र ना करो, 70,000 हूरां इस वक्त वाडे सहने अकदस विच मौजूद हैं जिहड़ियां जन्नतियां लिबास लैके जन्नत ते अत्तर लैके तुहाडे घर तुहाडे इंतजार च हैं। तुसां तैयारी करो, लिबास जाने हूरां ने जन्नत जाणन। बीबी पाक फरमाया अगर तुसां आखो, फरमाया बेशक जाओ। बीबी पाक ने जन्नती लिबास जेबे तन कीता, जन्नत की खुशबू हूरा ने जन्नत ने लाई। इस अंदाज जनाब खातों ने जन्नत टुरन कि वो जितने अमीर हैं ना इतना नूर है बीबी दे चेहरे ते कि वो खातून यहूदी बर्दाश्त नहीं कर सकियां। 80 औरतां बीबी दे जलाल दी वजह नाल बेहोश हो गई। सलवात पढ़ो बावाज़ बुलंद बिस्मिल्लाह। 80 औरतां हो गई इजाजत है बेहोश। जड़ी दुल्हन आई ना जिसकी शादी आई वो दुनिया तो पर्दा कर गई, शोर हो गया। कुछ औरतां शरारती हैं, उन्हें आखिया भी ये इन्हां दे आवण दी वजह नाल साड़ी खुशी गमी तब्दील हुई। खातून ने जन्नत ने हाथ दुआ दिचाए, फरमाने मेरे अल्लाह तेरे नबी दी धीआं ते इन्ना ये जड़ी औरत दुनिया तो टुर गई है इनको जिंदगी अता कर। बीबी का यह आखना वह दुल्हन उठ के बह गई। उसका बहना उसका जिंदा होना जितनिया औरतां मौजूद हैं उन्हां सारियां दियां जुबानां ते इकरार जारी होया तौहीद दा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ते उस वेले बीबी फरमाया कि मेरा मकसद घर चों टुरना तुहानू कलमे इस्लाम पढ़ावना आई ना कि तुहाडी शादी शिरकत। ते हुण तुसीं दहरे इस्लाम च आ गई हो, हुण मैं वहिंदी पई हाँ। जदों टुरन बीबी पाक
तो एक छोटी बच्ची आई 4 साल की कनीज, वो इन्हां यहूदियों ने इस्लाम कबूल करन तो बाद बीबी की खिदमत पेश की थी। ए बीबी पाक घर चैन ये खानदान होए जिन्ना अपने मुहिबा के नाँ तब्दील किए। हजरत सुलमान का नाँ पहले सुलमान नहीं, अबू जर का नाँ पहले अबू जर नहीं। तो इस बीबी का नाँ भी जनाब खातून ने जन्नत ने तब्दील किया। तो फरमान अज तो बाद तू साढ़े घर उम्मे हबीबा बन के रस है। 4 साल की उम्र ये बीबी नाल रही। 11 हिजरी दुनिया तो जनाब खातून ने जन्नत परदा किया। उस तो बाद सारा अरसा ये जनाब ज़ैनब आलिया नाल रही। जिस टाइम अली कूफा चा के दारुल खिलाफा कूफा नू बनाया तो बीबिया नाल ए उम्मे हबीबा कूफा आई। कूफा आके अली अलैहिस्सलाम उम्मे हबीबा नू आ देन, उम्मे हबीबा अगर तेरा दिल होवे मैं अली इस इशारे तेरी शादी कर छोड़ा। इस हाथ बदे ने साकिया तुहाडी खानदान नाल मैं पूरी जिंदगी गुजारी है, मैं बतूल नाल जिंदगी गुजारी, मैं तुहाडियां धीआं नाल जिंदगी गुजारी। या अली मैं चाहनी हाँ अगली जिंदगी तुहाडी कनीजे च गुजरे। अली फरमाने सदा वक्त इक्को जे नहीं रहिंदे, मैं अली चाहना इस शहर मेरी धी नू कोई सलाम करन आला होवे। तू इस शहर रहो वत ए मनिया धियाँ इस शहर आसन। जिस टाइम उम्मे हबीबा दी हो गई ना शादी तो जनाब ज़ैनब आलिया उम्मे हबीबा नू वखरे कमरे च लै गए। सर तू बीबी पाक चादर लाई, दोवें वाल हथां नाल खोले, हाथ बन के मंडी सैन गर्दन नाल रखे। फरमाया उम्मे हबीबा सुजान मैं कौन आ, कदम ते हाथ ला के आ दी तू अली दी धी है तो इस अंदाज तारफ क्यों पे करनी है। फरमाया हो संगद मैं इस रंग चा वजा तू मैं सुजान न संगे। फरमाया बीबी तू इस रंग च, फरमाया हाँ सदा वक्त इको जे नहीं रहा। वत अली दी शहादत हुई, उम्मे हबीबा कूफा रह गई, अली दियाँ धियाँ मदीने आ गई, दुनिया वस पई हुसैन उजड़ गए। अली अकबर दी जंज लै के हुसैन करबला आन, करबला जांजी मारे गए, मावन दियाँ हथां च रस्सियाँ, फुफियां दियाँ हथां च रस्सियाँ। अली दियाँ धियाँ 20 साल बाद उस शहर च आईं जिथां शहजादियाँ रह के गई। जेड़े जवार बैठे हो गवाही देसो, मस्जिद हनाना हुण भी मौजूद है। इस विच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सर वाली जगह मौजूद है जिथां मौला दे सर रखे गए। तो अली दियां धियां मातमी हलका बना के हुसैन दा मातम किया। बाजार सजदे रहन, दरबार सजदे रहन, अली दियां धियां रोंदियां रहियां। 3 दिन पूरे बाजार सजदे रहन, अली दियां धियां रोंदियां रहियां। 3 दिन बाद इन्हें उस गली च लाएन जिस गली च उम्मे हबीबा का घर हा। शिमर हरामजादा लानत होवे, उमर सात लानत होवे, इन्हें सारिया यजीदियां ते लानत होवे जिन्हां दे हत्थां सिवाय तस्बीहां दे कोई शह नहीं, जिन्हां दे चेहरियां दा वाकफ सिर्फ कुरान हा। उन्हां चेहरियां नूं ए बाजारां च लै आए। इंजे शाम दा वेला ते अली दी थी इमाम सजाद दा हथ नपे। फरमैंदन सजाद मैं पूरे राह चुप रही हाँ, इन जालमा नू आख मैनू इस गली च न लै वन, जिस मोड़ ते आखन मैं वैसा, जिस बाजार च आखन मैं वैसा। अम्मा क्यों? फरमाया इस गली च मनिया शागिरदा रहंदियां, मेरे कोल कुरान पढ़ दियां रही हैं, मैं किवें बर्दाश्त करा अज उन्हां दे सामने रस्सियां पा के। जालिमा दिन तंडे बाबे दी शाही नहीं, ए अज साड़ी हकूमत है, असां जिस गली च खड़ सी तेनों जाना पौसी। अली दी धी एक बार मौला हुसैन दे चेहरे तों डिठे
ते एक बार मौला सज्जाद नूं डिठे इमाम हुसैन सर सांग ते रोंदे खड़े फरमैंदन ज़ैनब टुर पओ मंडा सज्जाद डाढ़ा जख्मी है मंडा सज्जाद शाम गरीबां दा मुक्को है अली दी धी दा कदम गली विच आए ऐलान होया पत्थर मारो बागी दियां भेणा आ गईं इमाम राजी उमन कह दुख च न रवो इस ऐलान तुम बाद छतां ते चढ़िया हुई औरतां पत्थर चाहे मंडी सैन आसमान तो मुँह करके आदि सारियां मारे न उम्मे हबीबा पत्थर न मार आदि कौन मंडा ना जामन आली बीबी आदि मदीने गई हैं आदि आमंड सरदार रहंदे न सरदार रहंदे ना जा दिए वंडे सरदार दा ना अली है हूँ तू छोटे दना हसन है हूँ तू छोटे दना हुसैन है आदि पुत्रां दे ना चाहनी मिन्नत ला अली दियाँ दियाँ दे ना दा बीबी दी गल सुन के आदि कह दन तेनों पता नहीं हो कितनी वटी परदादार है कुजा बाजार कुजा हुंदा ना बीबी आदि जंदा ना नहीं चंदी सुजान हुआ ज़ैनब माया ज़ैनब दा नाम आवना दिए मैं ना मनेंदी मैं 20 साल कुरान पढ़दी रहियां जदा कुरान सामने आंदा अली दी धी दा तवाब करेंदा आदिए उम्मे हबीबा भुल नहीं वांज कुरान लाया ए घर तो दौड़िए अलमारी चूं कुरान चाहे जेड़ी पीणी दे फिरा बैठे हो मौला पीणी दे परदे सलामत रखने कुरान चुम के आदि अल्लाह दी किताब शाला बाजार ज़ैनब ना हो ओ अली दी दिए बदमाश लोग ना ओ ता बाबे नाल नहीं बुलेंदी है शराबी लोग ना कुरान सामने आए बीबी कुरान तो वेख आदि अल्लाह दा कुरान सुजान मैं उंदी दिया जेड़ी दरबार जो खाली गई आई मैं उंदी दिया जंदा नाजाद रात नोटा कुरान मंडी गवाई दे गवाई दा नाम आए कुरान हथ चूठे अली दी धी दा तवाफ करना शुरू कीते को तवाफ करदे होए उम्मे हबीबा चादर लाइए दीवार नाल टक्कर मारिए अकल मार के आदि और कहंदा ना पुछदी इतना डसा कित्थां गाजी आज कल ओ वसदा है उंदे शार दा नाम मुंडसा है मैं कोशिश करके ओ वांजड़े वा तंडी कैदां दी इतले इमाम राजी उमन रो रो प्या दिए कित्थां गाजी अजकल आए वो वसदा है बीबी आदिए दूर न वंज ओ घोड़े दी गर्दन च मंडे गाजी दा सर है गाजी दे सर को लाइए अकल मार के आदि अब्बास जै बीबी दे हाय वो परदे की दे तै पंगिया बोड़ाए हावी क्या मजबूरी उस वेले वापस आइए आदि बीबी कितना कहन तंडे पिरा फरमाया मारे गैन कौन है जेड़ा बाजार छाई आवाज आंदे इक पुत्र है जेड़ा रथ वदर होंद कौन है ओ मंडा सजाद कदमा ते हाथ लाए आदि 40 हिजरी जदा अली नु जरब लगी आई तंडी उम्र 2 साल आई मंडा मौला दसा 22 साल कोई ज़ईफ नहीं होंदा कहंदी कमर झुकदी नहीं उस वेले सैयद सजाद सर जाए रो रो प्यादन मंडी अकबर कमर ओ तरोड़ गया मंडा थी गया च
चमन दबाए और डिठी माँ डुर दी लानतुल्लाह अलल कौमल।